लकीरें एक ऐसी मूवी है जो एक ऐसे मुद्दे पे बात करती है, शायद इस पे पहले बातचीत नहीं हुई, जो काफी पहले हो जाना चाहिए था। शादीशुदा है, उन पे अगर मैरिटल रेप होता है, उनको बचाने के लिए आज तक इंडिया में कोई कानून नहीं है। ये फिल्म मैं कहूंगा कि एक शुरुआत है, एक पहला कदम है। बदलाव आए या ना आए, लेकिन हाँ, कुछ सेंसिटाइज हों लोग, थोड़ा संवेदनशील हो जाएं। जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, इस पे बहुत शर्म आती है लोगों को बात करने में। जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है, उस कैरेक्टर को प्ले करते करते कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर डेवलप हो जाती। जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। गौरव क्या है उसकी बात नहीं हो रही, ये मैं क्या प्ले कर सकता हूँ या मेरी काबिलियत कितनी है। हमारे आशुतोष राणा जी, वो जब मिले बोले कि अरे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। हेलो, मैं हुदामनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने अपने हर कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। वेलकम विदिता इन फर्स्ट इंडिया एंड वेलकम गौरव जी इन फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी मूवी लकीरें जो आ रही है, इसके बारे में आप दोनों क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप। हमेशा जी, लकीरें एक ऐसी मूवी है जो एक ऐसे मुद्दे पे बात करती है, शायद इस पे पहले बातचीत नहीं हुई, जो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। एक लॉ है सेक्शन 375, वो रेप के बारे में बातचीत करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पर उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। 18 साल के ऊपर की जो महिलाएं, जो शादीशुदा है, उन पे अगर मैरिटल रेप होता है, उनको बचाने के लिए आज तक इंडिया में कोई कानून नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल टू दुर्गेश जी कि उन्होंने इस मुद्दे को चुना और उस पे फिल्म बनाया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, पर महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है, सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित करना ज़रूरी है। और जी उसके लिए एक इस फिल्म में हम बातचीत कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी था। आप कुछ कहें इसके बारे में? सब तो कह दूं, पर जो कहना जरूरी है वो ये कि कभी कभार जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में अलग अलग वर्ग हैं, और हमारे देश में खासकर जो अलग अलग वर्ग हैं समाज में, फिर उनमें रिलीजन और जाति और बहुत सारे डिफरेंट ऐसे एक सेग्रीगेशन आ जाते हैं हमारे देश में, और हर उस छोटे छोटे सेगमेंट की एक अलग ज़िंदगी है, अलग हालात हैं, और उन अलग हालात की अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। इस सारे डिफरेंशिएशन के चलते एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अलग अलग तरीके से इस समाज के अलग वर्ग में हमेशा से रही है, और उसके बारे में फिर भी कभी बात नहीं की गई, जैसे विदिता ने कहा। एक ऐसी फिल्म जो आपको एक एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए इनकरेज करती है, वो आपको कहती है कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि आप सही हैं अगर आप इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहते हैं, और आपको इस किस्म की चर्चा और इस किस्म के मुद्दे को उठाने के लिए एक प्रोत्साहन देती है, और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को एक बैलेंस्ड वे में ऑडियंस के सामने रखती है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। ये फिल्म मैं कहूँगा कि एक शुरुआत है, एक पहला कदम है, बदलाव और की। बदलाव की वो जो भी बदलाव आएगा, ये उसका वो पहला कदम है, और अगर ऑडियंस इसे देखे, सराहे और एक दूसरे से इसके बारे में बात करे, तो वो जो पहला कदम है वो एक ज़ोरदार कदम हो जाएगा। मैरिटल रेप की बात करें तो इंडिया में एक दिन में कई सारे रेप केसेस होते हैं, लेकिन जो वुमेन्स होती हैं, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, उनकी कहानी कहीं ना कहीं दबके रह जाती है, उनके दर्द छुपे रह जाते हैं। आपको लगता है आप इस मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा? बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आए या ना आए, लेकिन हाँ, कुछ सेंसिटाइज हों लोग, थोड़ा संवेदनशील हो जाएं, क्योंकि संवेदनशीलता धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है। हमको ऐसे युग में जा रहे हैं कि भौतिकवादी युग में, कि हमारी सोच में, जैसे हम महिला शक्ति की बात करते हैं, है ना, महिला शक्ति पे बहुत सारे हमारे देश में प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिसमें महिलाएं सशक्त हों, जागरूक हों, जी
लेकिन जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं इस पे बहुत शर्म आती है लोगों को बात करने में, तो वो शर्म और चुप्पी ये दोनों कम हो इसके लिए हम लोग एक मतलब एक प्रयास है ये फिल्म, है ना। विदिता, आप एक वुमन है, एक गर्ल है, एक फीमेल है, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो बता तो है आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, इस कैरेक्टर को आप पर्सनल लाइफ में कितना फील कर पाई हैं इस कैरेक्टर से लॉयर के? देखिए, एक्टिंग एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है और वो एक्टर बहुत लकी है जो जिस तरीके का काम करना चाहते हैं, जो अलग अलग रोल्स करना चाहते हैं वो उन्हें मिले। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मिले हैं अलग अलग शेड्स के, अलग अलग तरह के रोल, और उसमें लॉयर का रोल मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी। और है कि मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ या कोई भी एक्टर, उस कैरेक्टर से हम कुछ लेते हैं, हाँ, जो लिखा जाता है उस कैरेक्टर से हम कुछ लेते हैं और हम अपने तरफ से बहुत बढ़िया कुछ देते हैं, और उस चरित्र को, मतलब जो लिखा गया है उस पात्र को हम चरित्र में बदलते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है और उसमें बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे गीता विश्वास जैसा इतना एक सशक्त महिला का रोल दिया जाता है, जो एडवोकेट भी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो उसमें ना कहीं मैं जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है उस कैरेक्टर को प्ले करते करते कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर डेवलप हो जाती है और डेवलप हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है ना, इन्होंने भी इससे क्या, आप अभी आपका सवाल था कि इससे क्या हो रहा है, तो जो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अभिनय किया वो सशक्त हो गई इस कैरेक्टर से, तो कितनी अच्छी बात है। गौरव, आपने कई फिल्मों में काम किया है, रिसेंटली आपकी गदर 2 आई थी जिसमें आपका एक डिफरेंट कैरेक्टर था और आप एक अब डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के अलावा ऐसा कैरेक्टर प्ले करना पसंद करते हैं, आपने ये फिल्म क्यों चूज़ की? पहले तो इसीलिए कि जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं, दूसरा इसलिए कि क्यों ऐसी, जब हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और हमें हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए और उस एक छुपी हुई बंद सी अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना चाहिए, तो एज एन एक्टर भी हम जब तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हमें करते रहना चाहिए अलग अलग किरदार प्ले करने का। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ कि जिन दिनों मैं लकीरें शूट कर रहा था उन दिनों बम्बई में मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था संजीवनी। बहुत दिन ऐसा हुआ कि दिन का पहला हिस्सा मैंने एक प्रोजेक्ट किया और दिन के दूसरे हिस्से में दूसरा प्रोजेक्ट किया, मैं लखनऊ और बम्बई ऐसे फ्लाई कर रहा था, तो उन्हीं 24 घंटे में संजीवनी जिसमें शायद मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति प्ले कर रहा था और लकीरें जहाँ उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो दोनों ऑपोजिट्स मुझे एक ही 24 घंटे में प्ले करने थे। तो ये इससे ये गौरव क्या है उसकी बात नहीं हो रही, ये मैं क्या प्ले कर सकता हूँ या मेरी काबिलियत कितनी है या मैं वो वैरायटी करने में मैं खुद कितना एंजॉय कर सकता हूँ उसकी बात हो रही है। तो जब एक एक्टर को ये मौका मिलता है कुछ वेरिएशन दिखाने का तो हम झपट्टा मार लेते हैं उस पर, क्योंकि यू नो ये अदरवाइज तो हम भी उसी इमेज में फंसे रहते हैं कि आप एक ही किस्म का रोल करते हैं, उसमें आपको ताली मिलती है, अवार्ड मिलते हैं, लड़कियाँ अच्छी अच्छी मैसेज भेजती हैं, तो फिर आप उस दायरे से कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो ये इसे एक्सपेरिमेंट भी नहीं कहूँगा, ये एक डिफरेंट शेड है, जैसे जिंदगी के इतने पहलू हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, वैसे ही एक एक्टर को अलग अलग किस्म के किरदार प्ले करने चाहिए। आप इतनी अच्छी मूवी लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कई महिलाओं की जिंदगियां बदल सकती हैं, वो खुल के सामने आ सकती हैं, आपको पर्सनली कैसा फील हो रहा है इसको लेकर? अच्छा तो फील हो रहा है, मुझे लगता है कि जैसे अभी गौरव जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि ये बात जब और जगहों पर हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, कॉलेज में हो, एनजीओस करें, कुछ ऐसे बच्चे करें जैसे आपकी उम्र के बच्चे जो है, जो नवयुवक हैं, वो इस बात को लें, तो वो संजीदगी वो औरों में ट्रांसप्लांट होगी, पहुंचेगी, वो देखेंगे सीखेंगे। तो वो मेरे गौरव जी की बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी जो ये बात है जब औरों तक पहुँच पाए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानें समझें कि ये मुद्दा है क्या, क्योंकि जनरली तो क्या होता है कि फिल्में बहुत सारी ऐसी इंटरटेनमेंट, ये सिनेमा तो इंटरटेनमेंट के लिए है, तो अब इससे इंटरटेन भी करें और लोग थोड़ा एक उस मैसेज को समझें भी, तो ये वो फिल्म है।
विनीता आपने भी कई अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी क्या कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने? चैलेंजेस बहुत लंबे लंबे लाइंस थे कोट हाँ कोट जो सीक्वेंसेस थे उसमें बहुत ही और कठिन कठिन हिंदी शब्द थे वो हमसे कहती थी कि ये ऐसे क्यों लिखा इसको पर मैं बंगाली में मेरे लिए बोलना उतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि बंगाली में भी बहुत संस्कृत वर्ड्स यूज होते हैं जो हिंदी में नहीं होते पर नॉर्मल हिंदी में बातचीत वाले हिंदी में यूज नहीं होते पर अगर आप हिंदी को अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं तो वो शब्द यूज होते हैं तो हमारे आशुतोष राणा जी वो जब मिले बोले कि अरे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है मैंने कहा आप जितना सोच रहे हैं उतनी अच्छी नहीं है आता आती में आपको पता चल जाएगा तो उसमें ध्यान देना होता था बाकी हाँ हम लोगों को जेंडर कभी समझ नहीं आएगा जैसे दिख रहा है वैसा है और हम बंगालियों को जेंडर जैसी मैं दिख रही हूँ हम बंगालियों को जेंडर कभी भी समझ में नहीं आएगा वो अब मुझे याद करना पड़ता था और जब सामने ऐसे एक्टर है गौरव चोपड़ा जी आशुतोष राणा जी टिया वाजपेयी जी तो बहुत ही संभल के एक्टिंग करना पड़ता है एकदम नाप नाप के कैलकुलेशन करके कहीं ओवर तो नहीं हो गया कहीं अंडर तो नहीं हो गया अच्छा इस मूवी में आप लोगों का सबसे कोई ऐसा फनी सीन रहा है जो आप सेट पे मस्ती उस्ती करते हो कुछ ऐसा कुछ मेमोरी हाँ नहीं मस्ती करते थे पर बताते नहीं थे छुपा कर जब आप इस किस्म के सीन प्ले कर रहे होते हैं माहौल थोड़ा वैसा हो जाता है ऐसा नहीं कि वो कट होने के बाद हम लोग नॉर्मल बात नहीं करते या मजाक नहीं करते पर थोड़ा सा आप उस अपने मूड से कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करते टिया के साथ जैसे कुछ कुछ थोड़े बहुत रोमांटिक सीक्वेंसेस थे या एक पति पत्नी के बीच के थोड़ा सा वो शॉपिंग करा रहा है इधर लेकर जा रहा है उधर लेके जा रहा है आइसक्रीम खिला रहा है ये कर रहा है हाँ उस वक्त थोड़ी आप मजाक मस्ती करते हैं एक वो टाटा वाला जो मोमेंट है वो वो फिल्म में भी है वो हम एक बहुत बहुत ठंड थी शायद दिसंबर या जनवरी में शूट कर रहे थे ठंड में आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और एक टेरेस ओपन टेरेस रेस्टोरेंट का सीन है जहाँ पर मैं पहली बार काव्या जो है जो टिया प्ले कर रही हैं उनसे मिलता हूँ और शादी के लिए हम एक दूसरे से देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो इतनी ठंड में उन्हें आइसक्रीम खिलाना चाहता है तो वो एक उसमें था कि वो बीच में एक वेटर को बुलाते हैं तो वो उधर ही खड़े थे तो मैंने उन्हें ऐसे किया तो वो मुझे वापस देख के ऐसे कर रहे हैं तो मैंने उन्हें कहा कि मैं टाटा नहीं कर रहा हूँ मैं बुला रहा हूँ आपको तो वो एक्चुअली वो एक छोटा सा मोमेंट फिल्म में एक्चुअली डाल दिया सर ने क्योंकि वहाँ पर हम सब हंसे और वो एक अच्छा सा इम्प्रोवाइज सा मोमेंट बन गया टिया अभी तक वो इम्प्रोवाइज भी उसी समय हुआ था उसी वक्त ही हुआ था वो टिया अभी तक उनको मैं बोलता हूँ कुछ फिल्म के बारे में तो वो आगे से यही कहती है टाटा नहीं कर रहे बुला रहे तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता ऐसी चीज़ें होती हैं बट एक संजीदगी एक सीरियसनेस जो फिल्म की है वो सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए इस मजाक मस्ती फिल्म काफी ज्यादा इमोशनल भी है रोंगटे खड़े कर देने वाली है ये फिल्म तो ऐसा कोई सीन रहा है जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो जो आप कर रही थी उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी पर ऐसे कुछ सीन्स हैं जहाँ औरतें आके अपनी बातें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है तो वहाँ मैं इमोशनल हो जाती थी पर प्रॉब्लम यही था कि अगर सेम टेक अगर दूसरे एंगल से हो रहा है फिल्म में क्या है एक बार आप जो देखते हैं एक ही बार शूट नहीं होता अलग अलग एंगल से बार बार शूट होता है तो फर्स्ट टाइम तो बहुत रोना आया बहुत दुखी हो गई उदास हो गई पर सेकंड टाइम जब हो रहा है थर्ड टाइम जब हो रहा है तब आंसू नहीं आ रहे तब मैकेनिकल हो जाता है पहले ही बाहर आ गए सर ये फिल्म एक बदलाव की तरफ है ऑडियंस देखेगी फिल्म हिट करना एक अलग बात होती है लेकिन ऑडियंस के दिलों में जगह बना पाना वो दूसरी बात होती है तो पर्सनली मैंने जो ट्रेलर देखा तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा कहीं ना कहीं लोग इससे रिलेट कर पाएंगे आप दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन है अपने ऑडियंस से हम तीनों की एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से कि ऑडियंस देखे और देख के औरों को भी बताए इसके बारे में मुझे लगता है कि हर औरत इसको देखेगी और पसंद करेगी क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई कहानी है हर घर की है घर में वो जैसे आज वो माँ है पर वो कभी बेटी थी है ना फिर वो कभी दादी बन जाएगी लेकिन उसे पता है
क्योंकि हमारे कुछ करेस्पॉन्डेंट जो हमारे फिल्म के बाहर रिसर्च कर रहे थे, तो उन लोगों ने जाकर के 90 साल की माताजी से भी पूछा। एक कम्युनिटी में गए, कम्युनिटी रिसर्च किया गया, तो उस कम्युनिटी मीडिया रिसर्च के दौरान 90 साल की एक माताजी, जहां पर हम लोग अलग अलग कम्युनिटी में गए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम इन सब जगहों पे देखना पड़ता है कि भाई कहां पे कैसी समस्याएं, तो वहां पर 90 साल की एक मुस्लिम महिला से भी पूछा, तो हमें वही बात सुनने को मिली जो फिल्म में हम लोग बात कहना चाह रहे हैं कि ठीक है वो कभी कभी हाँ में भी, मतलब ना में भी हाँ, और इस तरह की समस्याएं उन्होंने भी देखी थी, पर वो हंस के उन्होंने कहा, चूँकि उनके दांत वांत भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप क्या ये सब बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन बताया। तो वो हर औरत की कहानी है, हर महिला की है, है ना, और महिला है क्या, हमारी माँ भी है, हमारी पत्नी भी है, आने वाले टाइम में हमारी बेटी भी है जी। तो मुझे लगता है ये सबकी कहानी है। मैं थोड़ा आई जस्ट वांट टू ऐड, फिर बिरिता से कहेंगी, आई थिंक आप इंटरव्यू ले रही हैं हमारा, तो मैं ये और एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि यंग गर्ल्स हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, जो अभी इस रिश्ते में कदम रखने वाली हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलिवेंट, अंग्रेजी में एक शब्द है पर्टिनेंट, ख्याल है जो उनके मन में होना चाहिए। और वो इसलिए कि इस रिश्ते में कदम रखते वक्त इसके बारे में एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना उनके दिमाग में बहुत ज़रूरी है। शायद शादी के पहले या शादी के दौरान इस किस्म की चर्चा भी होनी चाहिए, जैसे और बहुत सारी बातों के बारे में भी मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए हमारे यहाँ शादी को लेकर, जो नहीं होती। सो आई थिंक जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत रेलिवेंट है ही, बिकॉज ये हो सकता है कि उनकी कहानी हो या उनके अगल बगल में किसी की कहानी हो और उसे इस फिल्म के जरिए आवाज़ मिल जाए। पर जिनकी शादी नहीं भी हुई, आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शादी करने से पहले इस तरीके के बारे में अपनी मानसिकता बना लें, अपनी सोच क्लियर कर लें, ताकि ऐसा कुछ होने का चांस ही ना हो। प्लीज सर जी, हमें कई चीज़ें पता नहीं होता है पहले, तो जब किसी औरत पे ऐसा होने लगता है उसे शुरुआत में पता नहीं चलता है, उसे लगता है ये नॉर्मल है या जो भी है, ये जो टॉक्सिसिटी लेवल है ना धीरे 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 बढ़ता है, और कई बार एकाएक भी बढ़ता है तब तो पता चल ही जाता है, बट जब धीरे 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 होने लगता है ना, कई बार लड़कियाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये जो हो रहा है सही है या मैं खुद गलत हूँ या मुझे और एडजस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें ना क्लियर नहीं होता है। और वही मतलब ऐसा एडजस्ट करते करते कब वो लाइन क्रॉस हो जाता है, कब वो चीजें अपने मतलब क्या बोलूं, जो इमोशन से क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है, और ये क्लैरिटी तभी होगी जब हम बात करेंगे, डिस्कशन होना चाहिए। जैसे पहले मुझे कुछ साल पहले रेड फ्लैग क्या होता है नहीं मालूम था, बच्चे रेड फ्लैग रिलेशनशिप में रेड फ्लैग की बात करते हैं, तो वही रेड फ्लैग क्या है, लिमिट क्या है, लकीर क्या है, वो सब चीज़ों पे तभी पता चलेगा जब बातचीत होगी। और अच्छा है कि आप ये फिल्म सही टाइम पे आप लेके आ रहे हैं, थैंक यू, इट्स नेवर टू लेट, ऐसे मुद्दों पे बात होते रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में लोग अपने आप पे मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ, पर उसमें से भी उन लोगों को क्लैरिटी मिल रहा है, भले एग्री नहीं कर रहे पर सोच तो रहे हैं एक्चुअली, हाँ, तो सोचने पे मजबूर कर रहा है लोगों को ये चीज। बस आप लोगों तक पहुंचाइए इस बात को और उन्हें इनकरेज कीजिए कि वो देखें और बात करें। जी बिल्कुल। फिर साथ ही फिल्म के नाम की बात करें तो जो फिल्म का नाम है लकीरें, वो पूरी तरह से मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी का भी हो, कहीं ना कहीं एक लिमिट और एक लाइन होनी चाहिए, तो आपकी मूवी उसे ही प्रेजेंट कर रही है। वेल विशेज है आप लोगों के लिए कि आपकी मूवी अच्छा परफॉर्म करे और स्पेशली ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाए और लोग इस बदलाव के लिए तैयार हों। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच विदिता, थैंक यू सो मच सर।